सो so, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा ये गाइस एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप क्लिक करेंगे उससे एक हफ्ते के लिए आपके साथ ये रेजोनेट कर सकता है ठीक है ऑल साइंस है व्हाट एल्स एंजल्स डू यू वांट मी टू चेक ऑलराइट योर गेट पाथ से गाइडेंस आ रही है लेने के लिए सो so, अगले सात दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो कह रहे हैं वी विल टेक ॉजी टेक्स से भी क्या चीज को फॉलो करना है रिजिस्ट नहीं करना है जो भी गाइडेंस आएगी उसको ले लीजिए खुशी खुशी राइट यूनिकॉर्न स्पिरिट से लेंगे ओके सो दीज टू कार्ड्स फ्रॉम द यूनिकॉर्न स्पिरिट एंड राइट फ्राम दिस्टिकंडियन टैरो से ओके एक कार्ड वहाँ से आ गया है और इन में लेंगे हम दी एंजल आंसर्स ओके एनीथिंग एल्स एंजल्स ओके सो दी थ्री गाइडेंस चलिए सो so, पहले आई विल स्प्रेड दीज कार्ड्स एंड आई लेट यू नो मिल वाओ पहला ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आ गया इस वीक के लिए मरिकल कंप्लेसेंसी ठीक है तो आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है पहले मैं दिखा देती हूँ द टावर ओके पहला कार्ड है बाकी दो कार्ड आप सोच रहे हैं क्या हो गया है ये हम्म hmm. ओके okay. मुझे ये ऐसे फील हो रहा है गाइस टावर मोमेंट हुआ जिसकी वजह से आप उदास हुए लास्ट वीक आपका शायद लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट रही है टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में All right. और आप इस से बहुत उदास हो गए बट इस वीक मेरिकल होगा आपकी लाइफ में कुछ दैट्स वॉर आई पिकिंग अप बाबा कह रहे हैं फेस द पेन ज़ द पेन यू एक्सपीरियंस द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज आप रिजिस्ट कर रहे थे कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में गाइज जो आप बहुत दिन से हो मतलब आप इंट्यूटिवली जानते थे ये सिचुएशन आएगी हो सकता है जॉब या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा था जो बैलेंस नहीं था ठीक है तो वो आपको पता था एटिवली कि ये बहुत जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है बट टावर को आप इसको ना नेगेटिव मत लीजिए अगर 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 आप फिलहाल के लिए अगर आपके पार्टनर से कुछ अगर ये लव लाइफ के लिए आप सुन रहे हैं तो अगर पार्टनर से कुछ अनबन हो गई है तो आप ये मत सोचिए वो बैलेंस लाने के लिए भी होता है कई बार ही कि जो चीज़ आप नहीं छोड़ पा रहे ईश्वर फिर झटका देता है आपको थोड़ा ब्रेक देता है ईश्वर कि आप ये जो वहाँ पर जिस जैसा भी अगर वो आपको ट्रीट कर रहे हैं आपको इग्नोर कर रहे हैं आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर कुछ भी अगर हो रहा है जिसको आप सिर्फ यू नो स्टेगनेंट हो गई थी की लाइफ तो वहां से आपको थोड़ा सा झटका देने के लिए कर रहा है ये ठीक है पर बाबा कह रहे हैं इस चीज को आप पेन की तरह मत लीजिए इसको फेस करिए बोल्डली फेस करिए सिचुएशन को ये इसलिए आया है ताकि आप चेंज हो सके आप चेंज हो जब सफर करेंगे तभी तो हम एक वो करेंगे ना जैसे डायमंड डायमंड कैसे निकल कर आता है जब सोना कैसे बनता है जब बार बार तपता है तो यही चीज है आपकी लाइफ में चेंज आएगा जब आप सोल अवेकनिंग सोल एक्सपेंशन में होते हैं तो अवेकनिंग टाइम में यही चीजें होती हैं ठीक है सफरिंग से गुजरेंगे तब भी आएगी क्या आएगी अबंडेंस गाइस देखो मैंने आपके सामने ही शफल करे थे कार्ड तो आप मुझे नहीं कह सकते कि मैंने ये किया है जो मैं बोल रही हूँ देख लीजिए मेरिकल है अबंडेंस आएगी कैसे आएगी जब आप ये गो, इससे गो थ्रू करेंगे देखिए अगला आया है फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट द सकीना की ब्लेसिंग आर यू सेक्रेट सेल्फ अनलीश योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ तो हो सकता है आप अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे काफ़ी दिन से जहां बहुत स्टैगनेंट हो रही थी चीजें तो आपको शेक करने के लिए कहा कि भाई फोकस ऑन योर सेल्फ जो चीजें चल रही है वो चलती रहेंगी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है ठीक है ये देखिए आपकी जो हिडन पावर्स हैं आपकी वो पावर्स आपकी गिफ्ट्स एक्सपीरियंस आप करेंगे बहुत जल्दी जो इनर गिफ्ट्स हैं अगला आया है फ्रॉम दिन साइकिक इन साइट देखा मैंने क्या बोला योर थर्ड आई इज ओपन सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज फॉलो योर इन ट्यूशन तो आपको आपकी इन ट्यूशन को फॉलो करना है आपकी सीक्रेट सेल्फ आपकी हायर सेल्फ बहुत ज्यादा मतलब कैसे बोलूंगा ये बिल्कुल ही आपके सामने क्लियर काज है अगर आप समझ पा रहे हैं अगर आप करते हैं मेडिटेशन uh, चैटिंग करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड वैम ट्राइंग टू से हियर असेंशन एक्सेंशन हो रहा है ये वर्ड मेरे से भूल गई थी कि क्या बोल रहे हैं सोल एक्सपेंशन बोल रही थी तो एसेंशन प्रोसेस में आप हैं तो इसीलिए मूव टू योर मूव इन टू योर ट्रूथ सेल्फ राइज अब द डार्कनेस द लाइट इज हियर देखिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव काज आए आपकी सोल एक्सपेंशन सोल अवेकनिंग के आपकी इनर इनर ब्यूटी बाहर आ रही है आपकी साइकिल एबिलिटीज बढ़ रही हैं इसीलिए वो टावर मूवमेंट आया क्योंकि आप अगर कहीं फंसे हुए थे ठीक है उसी चीज में रोना धोना अगर हो रहा था तो इसीलिए आपको यूनिवर्स ने थोड़ा गुस्सा किया है ठीक है आसन आसन करने के लिए कहा जा रहा है योगा को फॉलो करिए स्पिरिट्स आपको यही कह रही हैं डू नॉट डू नॉट फोगेट अपने आप पे आप टाइम दीजिए ये आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए इस वीक में आपको यही करना है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन अगर कुछ ऐसा हुआ है कि टावर मोमेंट फील हो रहा है तो वहां पर भी आप इसको पॉजिटिवली लीजिए लव लाइए इस सिचुएशन में भी कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है शो द वर्ल्ड द रियल यू सी शो द वर्ल्ड रियल यू इसीलिए आपको सेपरेट किया गया अगर आप किसी सिचुएशन में जॉब से या अगर लव लाइफ में अगर आपको थोड़ा सा सेपरेशन मोवमेंट आया वो इसीलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट uh, हो रहे थे बहुत ज्यादा ठीक है तो शो द वर्ल्ड रियल यू इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स नंबर फोर्टी टू यू आर ब्लेस्ड विद मजेस्टी गाइस कितने सारे ब्लेसिंग्स के कार्ड आ गए मेरिकल आ गया अबंडेंस आ गया और ये देखिए नंबर फोर्टी टू यू आर ब्लेस्ड विद मजेस्टी विजन एंड पावर ये सारी चीजें बढ़ रही हैं बट आपको अपनी पावर में आना है वाओ क्राइस्ट ओपन द डोर टू किंगडम ऑफ हेवन गाइज सिर्फ ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स है बस वहां से आपको निकलना था सिचुएशन से मैं, मैं कुछ नहीं कह रही आज कह रहे हैं आपके और देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या आया है अपॉर्चुनिटी न्यू ऑपरचुनिटी मेरिकल अब ब्लेसिंग्स न्यू डोर कितना कितना कुछ सब कुछ ही तो पॉजिटिव है जो हो गया लास्ट वीक होने दीजिए रिमेन पॉजिटिव वाओ आज की ओर एंजल्स रोमांस एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर तो रोमांस भी वापस आ रहा है हो सकता है कि वो जिस पार्टनर के साथ अभी आप डील कर रहे थे वो आपके ट्रू डिवाइन पार्टनर नहीं थे या फिर वो 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 आपको वेखन uh, कराने के लिए ही आए थे जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उस सिचुएशन से आपको बाहर आना था इसीलिए आपको शेक किया गया गाइस गाइस प्लीज़ 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 बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है बहुत ही पॉजिटिव वीक है तो इसको मेंटेन करके रखिए देख लीजिए रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है बस आपको देखो क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास यूनिकॉर्न की ब्लैसिंग है किंग ऑफ यूनिकॉर्न अबांडेंस आ रही है एंड मेरिकल होने वाला है आपको बिलीव भी नहीं होगा कि एकदम से कैसे चेंजेस आ गए जो आपको लग रहा था नहीं अपॉर्चुनिटी आएंगी आपकी सो इट इज अ विन विन सिचुएशन अगर लास्ट वीक आपका टफ गया तो ये विन 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 सिचुएशन है इज प्लीज़ 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना मत भूलिए बहुत ही ब्यूटीफुल वीक रहेगा तो आप इसको मेंटेन रखिए एंड आने वाले वीक में भी यही एनर्जीज मुझे चाहिए आप लोगों की ठीक है सो रेज योर वाइब्रेशन कीप चटिंग मेडिटेटिंग एंड आई लव यू ऑल थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स